किन्नौर अभिभाषक संघ के चुनाव शुक्रवार को आयोजित हुए, जिसमें 11 पदों के लिए 31 सदस्य चुनाव में खड़े हुए। इन 11 पदों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष सहित अन्य पद कार्यकारिणी के रहेंगे। इन पदों के लिए 5,308 सदस्य वोट डालेंगे। इस दौरान मुख्य चुनाव अधिकारी विमल मिश्रा ने बताया कि इस चुनाव के लिए जिला कोर्ट में 4 पोलिंग बूथ और 47 टेबल लगाई गई। चुनावी प्रक्रिया में 6 सहायक निर्वाचन अधिकारी, 80 सदस्य शामिल है। मत डालने का समय सुबह 11 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इसके एक घंटे बाद मतगणना की प्रक्रिया शुरू होगी। शाम 5 बजे से मतगणना शुरू होगी। रात तक नई कार्यकारिणी की तस्वीर साफ हो जाएगी। 5,308 सदस्य मतदान के लिए पात्र है, लेकिन करीब 3,000 सदस्य ही वोट देने आते हैं। संघ के वैसे तो ये सालाना चुनाव होते हैं, लेकिन इस दफा अध्यक्ष पद का मुकाबला कई साल बाद इतना दिलचस्प हो गया है कि 3 कद्दावर वकील इस बार आमने सामने हैं। चुनाव प्रचार बुधवार शाम 5 बजे ही खत्म हो गया था। 5,500 के लगभग अभिभाषक है। भोजन करने की समस्या, कैंटीन नहीं है, युद्ध स्तर पर मैं उसका निर्माण कर। ये बिल्कुल जो लोकसभा विधानसभा के जो सामान्य चुनाव होते हैं, बिल्कुल प्रक्रिया उसी तरीके की होती है। इस बार थोड़ा सा परिवर्तन होगा, क्योंकि 28 तारीख को लोकसभा के चुनाव, तो जो मत शाही लगाई जाती है वो अपनी बार शाही निर्वाचन वाली होने की बजाय अयोध्या में लगाई जा रही है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति उत्पन्न न हो। लेकिन गुरुवार को भी दावेदार वकीलों से मेल मुलाकात करते रहे।